11-year-old Ahad Nizam from Mumbai on Friday has written a letter to Law Minister Ravi Shankar Prasad, Chief Minister Devendra Fadnavis and to the headquarters of PUBG Corporation to ban the online mobile game. तो हे व्हाट इज अप एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज यार हम लोग बात करने वाले हैं पबजी बैन वाले लॉन्डे के बारे में। भाई इसने बहुत नहीं मतलब पबजी वाले दुनिया में हिला के रख दिया लोगों को, ठीक है। इस बच्चे ने प्रधानमंत्री को लेटर लिखा कि भैया प्लीज पबजी बैन कर दो, लेकिन वो स्टड लॉन्डे भाई ये पबजी वाला है क्या? तो आओ यार शुरू करते हैं इस वीडियो को और बात करते हैं इसके बारे में। Hi Ahad, thanks a lot for speaking to us. My first question to you will be, when did you come to know about the game and have you ever played it? What is this game about? I came to know about this game 5-6 months ago and I played it. It's very violent. Violent game hai bhai, violent game hai, ban karo. Violent kuch bhi hai, ban karo. TikTok violent tha, ban kar diya. Oh, PUBG kyun nahi ban kiya bhai? Isse hajam nahi ho ja raha, pata hai kya? PUBG ban nahi hua, matlab yaar kyun kar raha hai bhai ye aisa hamare sath yaar? It includes robbing and killing, which is not good for kids. भाई इसने बोला है ना इसने PUBG नहीं नहीं खेली भाई इसने PUBG, कौन बोला इसने PUBG खेली भाई? PUBG में रॉब कहाँ भाई, वो लूट पड़ी होती भाई, लूट पाट करो यार, ये क्या कर रहा है भाई, ये नहीं करना चाहिए यार, तू क्या पागल है? And then sometimes you make groups and this leads to cyberbullying, that is leaving out others. By saying like he can't play because he doesn't know how to. भाई मैं बता रहा हूँ, जब ये खेल रहा होगा ना इसको खेलते नहीं आ रहा है पहले तो, और उसके टीममेट्स ने इसको बोला होगा भाई तेरे को नहीं आता तो प्लीज साइड में बैठ, तो सिर्फ गाड़ी में बैठ, इसे इसने साइबर बुलिंग की यार, मौक की क्या बोल रहा हूँ यार मैं भी यार, देखो यार मैं नहीं बोल रहा। So if 5 people play, the 4th person might not want to play because they abuse him and abusive language is also used in the game because elders play in this. भाई मैं बोल रहा हूँ इस बंदे ने सिर्फ एक ही बार गेम खेली है, एक के ऊपर खेला, किसी ने गाली दे दी होगी, ठीक है गाली देना आज के लिए आम बात है, अरे बहुत ज़्यादा आम बात है भाई, ये क्या बोल रहा है ये? ओके टेल अस अबाउट द लेटर व्हिच यू हैव रिटन। अब आएगा कहानी में ट्विस्ट, पता है इस बंदे ने हर एक एक मंत्री के लिए लेटर लिखा है, अपने बाप के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, भाई बहुत सारे लोगों को लिखा है भाई। आई हैव रिटन अ लेटर्स दैट दिस गेम इंक्लूड्स वायलेंस, साइबर बुलिंग, robbing and other things that are inappropriate for kids, and that's why it should be banned in Maharashtra and India. It should be banned. इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? भाई देखो ये तो सिर्फ आधा पार्ट है, ये तो सिर्फ बच्चा है, बाप के लिए रुको जरा। 25th of January, my son through his mother has written a letter of appeal to the government and all the authorities to ban PUBG at least in schools. भाई कौन से स्कूल में मोबाइल ले जाना अलाउड है यार, मतलब इन स्कूल्स बैन कर रहे हैं ना भाई, घर पे आके खेल सकता है फिर, वाह बढ़िया है। By the fact that PUBG as a game, an online game rather, is very addictive, it promotes violence, immoral behavior and conduct such as looting, robbery and murders. क्या murders? नहीं नहीं मतलब इन्हें लगता है ये मर्डर है, नहीं रुको मैं अभी दो मर्डर करके बताता हूँ इसको, रुको ये हो गया एक मर्डर और ये दूसरा मर्डर, अब मर्डर की माँ की। और तुम्हें क्या लगा गवर्नमेंट ने इनकी बात मान ली? अरे मैं क्या बोलूँ यार तुम ही सुनो। There has been no response or acknowledgement of that whatsoever from the government departments both at the center and at the state. ये PUBG वाला है क्या? तो यार बस आज के लिए इतना ही, अगर तुमको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो और यार सब्सक्राइब वाला बटन दबाओ यार, कुछ नहीं जाता सिर्फ क्लिक करना है भाई तुम लोगों को, और वो घंटी भी दबा दो ठीक है, वो ना कुछ है यूट्यूब का, और यार कमेंट करके बताओ ये वीडियो कैसी लगी, शेयर कर दोगे तो बहुत बढ़िया बात है यार। यार मैं भी जा रहा हूँ यार, मुझे ज़रा PUBG खेलना है ब्रो, बैन हो गया तो क्या करूँगा। सो बाय बाय।